फ्रेंड्स, आई एम रजनीकांत। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 2 ऑफ 8th क्लास इंग्लिश फ्रॉम द बुक हनीड्यू द सुनामी पार्ट 2। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट। Tilly Smith, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Dear friends, ये intro है Tilly Smith, जो कि एक ब्रिटेन की स्कूल गर्ल थी। वह अनेक जीवन बचाने में समर्थ हुई जब सुनामी ने फुकेट बीच पे स्ट्रक किया, यानी जब सुनामी फुकेट बीच थाईलैंड में फुकेट बीच से टकराई तो कई जिंदगियां बचाने में वह लड़की समर्थ हुई। दो सी हैज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैवंट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड हर इंटू ए हीरोइन। यद्यपि उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, फिर भी उसके माँ बाप ने अपनी पुत्री को टेलीविजन पर साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दिया और उसे हीरोइन नहीं बनाया। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपके अनुसार आप बताइए कि आपके अनुसार उन्होंने वह निर्णय क्यों लिया? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ एक थाईलैंड की कहानी दी गई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। स्मिथ परिवार, जो कि दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में रहता था, वो दक्षिणी थाईलैंड में एक बंदरगाह के निकट के रिसोर्ट में क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। हर सिस्टर वॉज 7 years old। तो टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूली छात्रा थी और उसकी छोटी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके मम्मी का नाम पेनी स्मिथ था और उसके डैड का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज December 26, 2004। उस दिन सन 2004 का 26 दिसंबर था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। मृत्यु की पर्यायवाची सुनामी लहरें अपने मार्ग पर पहले से ही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा earlier that morning. They had been triggered, वे संचालित की गई थी भाई ये मैसिव अर्थक्वेक, एक विशाल भूकंप के द्वारा। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा earlier that morning, उस दिन उत्तरी सुमात्रा में
एक बड़ा भयानक भूकंप आया था, उसी के द्वारा उन सुनामी लहरों को संचालित किया गया था और वे अपने मार्ग पर चल पड़ी थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो टिली स्मिथ की मम्मी पेनी स्मिथ याद करके बताती हैं कि द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी उफन रहा था और अंदर आते जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बंदरगाह का आकार क्रमशः छोटा होता जा रहा था। एंड पेनी स्मिथ डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। पेनी स्मिथ को इस बात का पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन उनकी बच्ची 10 साल की टिली स्मिथ यह जान गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो थी। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक। उसका मस्तिष्क बार बार वापस जाया करता था टू ए ज्योग्राफी लेसन, भूगोल के एक पाठ पर, जिसे कि शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड की उड़ान भरने से पहले, शी हैड टेकन जस्ट 2 weeks बिफोर, जिसे उसने इंग्लैंड में अपने परिवार की थाईलैंड के उड़ान के ठीक दो हफ्ते पहले लिया था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि टिली स्मिथ जान गई कि कोई न कोई गड़बड़ है। उसका मस्तिष्क बार बार जियोग्राफी के उस पार्ट पर जाता था जिस पार्ट को उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड की उड़ान भरने के ठीक 2 हफ्ते पहले लिया था। टिली सादी सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तो टिली ने सागर को धीरे धीरे उठते देखा। स्लोली का मतलब धीरे धीरे और राइज का मतलब उठते हुए। तो टिली ने समुद्र को धीरे धीरे उठते देखा एंड स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बनाना शुरू करते देखा, बबल बुलबुले बनाना शुरू करते देखा, एंड फॉर्म वर्ल्ड पूल्स और भंवरियाँ भ्रमरें बनाना शुरू करते देखा। कहने का मतलब यह है कि टिली ने सबसे पहले समुद्र को उफनते हुए देखा, फिर झाग और बुलबुले बनाते हुए देखा और भंवरियाँ बनाते हुए देखा। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। शी रिमेंबर्ड दैट, उसे याद आया कि शी हैड सीन दिस, ऐसा उसने देखा था इन द क्लास, अपनी कक्षा में, इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, सुनामी के एक वीडियो में, दैट मीन्स जो हैड हिट मीन्स टकराई थी द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946 में, जो सुनामी हवाईयन आइलैंड से टकराई थी उसके वीडियो में, क्लास में उसने ऐसा देखा था। तो कहने का अभिप्राय ऊपर से एक बार फिर से देख ले। टिली ने समुंदर को धीरे धीरे उठते देखा, झाग और बुलबुले बनाते देखा और भंवरियां बनाते हुए देखा। शी रिमेंबर्ड दैट, उसे याद आया कि शी हैड सीन दिस, उसने इसे देखा है इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, अपनी कक्षा के सुनामी के एक वीडियो में, दैट हैड हिट, जो टकराई थी
दी हवाईयन आइलैंड्स, हवाईयन द्वीपों से इन 1946 में। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास दी वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कास्ट बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्केप्स। तो उसके भूगोल के अध्यापक ने उसकी कक्षा को वीडियो दिखाया था और बताया था कि सुनामियाँ अर्थक्वेक्स यानी भूकंपों के कारण हो सकती हैं, वोल्केनोस यानी ज्वालामुखियों के कारण हो सकती हैं एंड लैंडस्केप्स यानी भूस्खलनों के द्वारा हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टिली ने सागर को धीरे धीरे उठते देखा, झाग और बुलबुले बनाते देखा, साथ ही साथ भंवरियाँ बनाते देखा। उसे याद आया कि ऐसा उसने अपनी कक्षा के वीडियो में, सुनामी के एक वीडियो में देखा था, जो सुनामी हवाईयन आइलैंड से 1946 में टकराई थी। उसके जियोग्राफी टीचर ने उसकी कक्षा को वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामियाँ भूकंपों, ज्वालामुखियों और भूस्खलनों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपने परिवार के ऊपर बीच से चले जाने के लिए चिल्लाकर कहा। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना शुरू किया, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, क्राय, एट हर फैमिली अपने परिवार पर, टू गेट ऑफ हट जाने के लिए दी बीच बंदरगाह से। तो टिली अपने परिवार के ऊपर बंदरगाह से हटने के लिए टिली ने चिल्लाना शुरू किया। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर दी सी। उसने भूकंप के उसने समुद्र के अंदर भूकंप के बारे में बात किया। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वह क्रमशः बदहवास होती जा रही थी। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी स्मिथ ने बताया कि वो हिस्टेरिकल होते जा रही थी, लग रहा था कि जैसे उसको हिस्टीरिया के दौरे पड़ रहे हैं। और वो समुद्र के अंदर भूकंप की बात कर रही थी। आई डिंट नो वॉट अ सुनामी इज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो पेनी स्मिथ कहती हैं कि मैं तो नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी लड़की को इतना डरा देखकर मैंने सोचा कि कुछ न कुछ गंभीर बात तो जरूर है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर फ्रॉम दी बीच। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से लेकर गए टू द स्विमिंग पूल एट ए होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को लेकर के गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। काफ़ी दूसरे पर्यटकों ने भी उनके साथ बंदरगाह या जलपत्तन छोड़ दिया। आवाज स्क्रीमिंग रन, मैं तो चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। परिवार ने होटल के तीसरी मंजिल पर शरण लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स। वह भवन तीन सुनामी लहरों के झटके खाया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वे बंदरगाह पर ठहरे रहे होते तो वे जीवित न रहे होते। दी स्मिथ लेटर ऑन मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट
देयर एंटायर फैमिलीज। स्मित परिवार बाद में ऐसे पर्यटकों से भी मिला जिन्होंने कि अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया था। एंटायर का मतलब कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड। टिली और उसके भूगोल के अध्यापक को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग स्टोरी। टिली अपने स्कूल में वापस गई और उसने अपने स्कूल के मित्रों को अपनी भयानक कहानी सुनाई। तो डियर गाइस, इट वॉज ऑल। होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।